प्रणाम भोजपुरिया जहान, आप हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर ली, जानी सब्सक्राइब कर बिल्कुल फ्री बात। चलिए आज बात कर लिया सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के लाइफ स्टाइल के बारे में। तो सबसे पहले हम आप सबके उनके लाइफ स्टाइल बताएं, लेकिन अगर आप पहले खेसारी लाल के जन्म के या थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बता दिए, आप सबको बता दें कि खेसारी लाल यादव के जन्म 1986 में राजस्थान में भई रहे, ना कि बिहार में। जी हाँ, राजस्थान में भई रहे। मूल रूप से खेसारी लाल यादव बिहार के सिवान जिला के रहे हाल हवन, लेकिन इनकर जन्म राजस्थान में भई रहे। खेसारी लाल यादव के पढ़ाई लिखाई के बारे में बात की जाए तो खेसारी लाल यादव 10वां पास आउट, ओकरा बाद ही BSF की नौकरी ज्वाइन के लिए, लेकिन सिंगिंग के इतना चाहत रहे कि BSF की नौकरी छोड़ के वापस सिंगिंग लाइन में आ गए। खेसारी लाल यादव के जब नौकरी भई रहे तभी इनकर शादी हो चुका रहे और इनका बड़ा ही बढ़िया खूबसूरत धर्म पत्नी बाड़ी और इनका एगो लड़का लड़की भी बालों के सुपर खेसारी लाल यादव के लड़का के जन्म जब खेसारी लाल यादव सुपरस्टार बन के लिए तब भई रहे और जब सिंगिंग लाइन में रहन तब इनकर लड़की के जन्म भई रहे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। अब बात कर लो सिंगिंग करियर के बारे में कि सिंगिंग कहाँ से स्टार्ट के लिए, कब और कैसे स्टार्ट के लिए सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। तो आप सबको बता दें भैया कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव बचपन से ही इनकर सिंगिंग के शौक लग गए हैं। आप सबको बता दें कि मजबूरी और गरीबी के चलते खेसारी लाल यादव हरेक हर कीर्तन में या कोनो भी पार्टी या शो होते रहे ओमे जाके छोटा मोटा रोल करके पैसा कमाए के चाहत जागरे खेसारी लाल यादव को। ओकरे चलते लेडीज के ड्रेस पहन पहन के साड़ी पहन पहन के खेसारी लाल यादव डांस में जो लौंडा डांस कहल जाला वो डांस करे लगले, गांव में जो डांस कर जाला इंग्लिश बाजा पर वो में डांस करे लगले खेसारी लाल यादव और पैसा जुटावे लगले। लेकिन मन में इच्छा रहे सुपर स्टार बने के और कभी भी हार ना माने, बहुत ज़्यादा मेहनत किए बड़े। यदि बात की जाए भोजपुरी में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करे में तो खेसारी लाल यादव नंबर वन पावेले, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किए बड़े। आप सबको बता दें कि वही जब उनका एल्बम निकाले के रहे तो खेसारी लाल यादव दिल्ली में आके ओखला में लिट्टी चोखा बेच के पैसा बटोर ले और एगो पहलका एल्बम निकलले जो कि फ्लॉप साबित रहल। जी हाँ, फ्लॉप हो गेल वो एल्बम। ओकरा बाद भी खेसारी लाल यादव चुनाव प्रचार में नारा लगा के लिट्टी चोखा बेच के बहुत से स्ट्रगल करके फिर पैसा जुटैले और एगो एल्बम निकलले जेकर नाम रहे माल भेटाई मेला में। माल टाइम में जेकरा से खेसारी लाल यादव के पहचान पूरे छपरा सिवान में बन गई, लेकिन एक उनका गाना आई सैया अरब गले ना, ओह गाना से खेसारी लाल यादव के पूरे बिहार के साथ साथ यूपी दिल्ली पंजाब यहाँ तक कि सऊदी अरब तक पहचान मिल गई कि भोजपुरी में एगो सिंगर आ गए। ओकरा बाद खेसारी लाल यादव में एक ही क्वालिटी रहे उ रहे डांसिंग के। जी हाँ भैया, इतना बढ़िया डांस करता साड़ी पहन के तो स्टेज शो के डिमांड बढ़ गई खेसारी लाल यादव के। आप सबके हम बैकग्राउंड के बारे में बताओ तो लाइफ स्टाइल हम बाद में बताएं, थोड़ा सा हमरो लगा था कि हम लगनी बायोग्राफी बतावे, लेकिन थोड़ा सा सुन ली उसके बाद हम लाइफ स्टाइल बताएं। तो वो लगले लेडीज के कपड़ा पहन के डांस करे लगले, साथ साथ बहुत ज़्यादा डिमांड भाई बैक टू बैक इनका एल्बम के डिमांड होकर लगल, फ्री में एल्बम करे लगले खेसारी लाल यादव। ऐसे तो पैसा लगा के करे के पहला, लेकिन इतना इनका डिमांड हो गई कि कंपनी बुला बुला के इनका से कहे लगल कि हमारा कंपनी के तरफ से आप गाना गई। यही तरी 2012 में एक्टिंग करियर में इनका लाइन बनल। जी हाँ, इतना दर्शक के प्यार रहे कि पहल के फिल्म इनका आए 2012 में साजन चले ससुराल। जी हाँ, साजन चले ससुराल जोना से सुपर हिट हो गए खेसारी लाल यादव रातों रात। फिल्म इतना बढ़िया चल रहे, लोग इतना ज़्यादा पसंद किलक कि सुपर हिट हो गए। ओकरा बाद बैक टू बैक उनका फिल्म आवे लगल आतंकवादी अभी आई रहे, मेहंदी लगा के रखना उनका करियर के सबसे अच्छा मूवी, मैं सेहरा बांध के आऊँगा आने वाली मूवी है, जिला चंपारण बाबरी मस्जिद, बहुत से टॉपिक पर खेसारी लाल यादव सोशल मैसेज देवे लग रहे अपना फिल्म से, नाच गाना के छोड़ के अब देवे लगल है, इतना बड़ सुपर स्टार बन गए बड़े और हमेशा ही हंसत मजाक और अपने दर्शकों के साथ ही रहे। अब बात कीजिए खेसारी लाल यादव के लाइफ स्टाइल के बारे में। तो आप सबको बता दी भैया कि खेसारी लाल यादव के पास एगो अपन स्पेशल बुलेट, एगो स्कॉर्पियो और दोगो फॉर्चूनर बाड़ी सर। जी हाँ, स्कॉर्पियो गांव पर और दोगो फॉर्चूनर जो कि मुंबई में रखले बाड़े खेसारी लाल यादव। बाकी खेसारी लाल यादव के घर के तो खेसारी लाल यादव के घर गांव में जो कि ठीक ठाक बा, लेकिन मुंबई में 5 करोड़ के घर। जी हाँ भैया, आप सब जाए बिंदास भोजपुरी के लाइव में आप देख सकते घर 5 करोड़ के घर बा खेसारी लाल यादव के मुंबई में, जोना में उनका पापा मम्मी बेटा बेटी मेहरारू के साथे रहले और या दूगो फॉर्चूनर कार भी रखले बाड़े। और बात की जाओ शौक के बारे में तो खेसारी लाल यादव के सोना पहने के सबसे ज़्यादा सहन है, सोना के चैन पहने के गोल्ड चैन जो है कहल जाए, हमेशा 4 से 6 लाख के चैन पहने रहे
खेसारी लाल यादव। अब बात की जाएंगे इनकम के बारे में थोड़ा सा, तो इनकम बता दी भैया कि खेसारी लाल यादव के सबसे ज्यादा स्टेज शो के डिमांड हो रहा थी, स्टेज शो के कम से कम कहीं 5 लाख भी, कहीं कहीं फ्री पर भी चल जाले, कहीं कहीं भी पैसा तो एक भी रुपया ना लेवेले, और कहीं पर 10 से 12 लाख रुपया भी लेवेले खेसारी लाल यादव। तो डिपेंड करता कि आदमी के है बोले ओकरा हिसाब से, लेकिन इनका 10 लाख फिक्स बा एगो स्टेज शो करे खातिर। बात कर जाओ फिल्म के, तो फिल्म में 35 से 40 लाख या 40 से 50 लाख रुपया अब कर दिले बे। 2016 में 35 से 40 लाख ले रहन, अब 40 से 50 लाख के बीच में लेवे ले 2017 में खेसारी लाल यादव पर फिल्म खातिर। और सबसे ज़्यादा इनकर जोन बा गाना से कमाई होला। जी हाँ भैया, हर एक सीजन आप देख ले बनी बिहार में होला, जैसे सावन में लोकगीत विवाह में हर एक सीजन में एक गाना एल्बम निकला रहेला। तो अब खेसारी लाल यादव एल्बम ना निकाले ले, अब एगो दो गाना ही निकाले ले जो मार्केट में दबदबा मचा देला। आप सबको बता दें कि अभी चोए चोए गाना निकल बा जो कि बहुत अच्छा चल रहा बा बिहार यूपी चारों तरफ, जहाँ भी भोजपुरी बोला जाए ओकरा पहले बोले ली बोलिया, ऐसे बहुत सारे गाना खेसारी लाल यादव के बा जे दबदबा मचा देला बा। तो एक तरफ से कहीं तक बहुत ही अच्छा जिंदगी जिए ले खेसारी लाल यादव। उ ऐसा लड़का जे कभी लेडीज बन के पैसा कमाए के सोचते रहे लिट्टी चोखा बेचरस गिरी में, आज वह खेसारी लाल की कहे ले कि हम एक दिन में 15 गो फ्लाइट के टिकट रखें अपना जेब में, जब मन कर जहाँ जाए के हम कौन को एगो फ्लाइट से जाए के रहे, लेकिन 14 गो टिकट कैंसिल हो जाए। उ रुतबा आ गई बा 4 से 6 लाख के लोहा के सोना के चैन पहन के रहे ले, और एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा कर ले भैया, अपन फिल्म पर सबसे ज़्यादा फोकस करे ले, और एक तरफ ना कर जाए कि दर्शकन से साथे टच में रहल, हमेशा टच में रहे ले, और एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा मेहनत कर ले खेसारी लाल यादव। सुबह उनका नियम है कि 5 बजे उठ के जिम पहले जाए, जिम आके खान पान करके और पूजा भी कर ले, पूजा पाठ करके फिल्म के सेट पर टाइम से पहुँचल, टाइम से अपना फिल्म जो शूटिंग पूरा कर ये खेसारी लाल यादव में। अब बात कर जाओ खेसारी लाल यादव के नेचुरल स्टाइल, तो बहुत ही अच्छा व्यवहार के हन खेसारी लाल यादव, कोनो भी नशा पता ही उनका में नहीं के, ना कभी आप खेसारी लाल यादव ने कभी दारू पिए ले, ना सिगरेट गाजा ये सब कुछ भी लत नहीं के खेसारी लाल यादव एक साफ सुथरा इंसान हो और एक अच्छा लाइफ जी ले सुपर स्टार खेसारी लाल यादव। खबर अच्छा लगा हो तो चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो के लाइक करी, हो सकता कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे गलत भी हो सकता, तो खातिर यदि सुझाव दे बता कमेंट भी कर दी कि हमारे हर जो हमारे इन्फॉर्मेशन बा गलत बा, आपसे गलत बोल ले बानी तो हम ओका के सही करे के कोशिश करब, लेकिन जहाँ तक हम रिपोर्ट जुटेले बानी सब सही सही बा, चारों तरफ से खोज के बाद में आप सबके हम बीच में ले बनी। और हो सके तो भैया कि जितना भी हमारे जानकारी पर हो सके तो हमें कुछ गलत भी हो के कुछ सही भी हो के सब मिला जुला के जितना हम कोशिश के लिए बनी कि बढ़िया से बतावल जाओ सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के बारे में। तो बहुत से गूगल हम जांच के नहीं, यूट्यूब पर गए नहीं, खेसारी लाल यादव जी के बायोग्राफी पढ़नी, सब कुछ मिला जुला के ही आप सबके बीच में न्यूज लेके आई बनी, लेकिन हो सका था कि जितना हम इन्फॉर्मेशन डलने बनी उसमें कुछ गलत भी हो सकता है। काहे कि भैया हम गूगल और यूट्यूब और खेसारी लाल यादव जी के बायोग्राफी के सहारा ही आप सबके हम लाइफ स्टाइल बढ़ेले बानी, वो भी केवल आदमी ही डलने हुए जरा कुछ नॉलेज हो खेसारी लाल यादव के बारे में, तो वो चीज़ डलने हो तो हो सकता कि वो भी कुछ गलत डलने होगा, लेकिन जहाँ तक तो हो सकता चारों तरफ से मिला के आप सबके बीच में हम जो रिपोर्ट ले बनी वो में लगभग सब कुछ सही बा, लेकिन थोड़ा सा भी गलती बा कोनो भी गलती बा यदि आप सब जानते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में और कुछ, तो कमेंट करी जरूर ही कमेंट करी कि कौन चीज़ हम गलती बतेले बनी कौन चीज़ हम सही बतेले बनी, तो कमेंट कर आप सबके बहुत ही जरूरी बा, कमेंट करके आप सब बता सकते हैं कि भैया राहुल हर इन्फॉर्मेशन गलत बा, हर इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़िया जुटेले बनी, तो इसे हम सुधार करे के कोशिश करब। तो और भी आप सबके बीच में हम लाइफ स्टाइल लेम बायोग्राफी लेम, हम सोचा था कि जितना भी उनके भोजपुरी के सुपर स्टार एक्टर वालों सुपर स्टार एक्ट्रेस वालों उनका लोग लाइफ स्टाइल बताइए आप सबके, उनका लोग बायोग्राफी बताइए, जहाँ तक हो सकता हम अपना भोजपुरी फैंस क्लब से सबको ये बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल लेवे की कोशिश करम। जी हाँ, तो आप अभी लाइफ स्टाइल खेसारी लाल यादव के देखा तीन बहुत दिन बाद क्या कही, तो ये सप्ताह में गौरव लाइफ स्टाइल आलम सुपर स्टार पवन सिंह जी के, तो मिला जुला के बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आप सबके हम बीच में लें और आप सबके एंटरटेन कराएं। जी हाँ, तो आप सबके बस सपोर्ट चाहिए कि भोजपुरी फैंस क्लब के सब्सक्राइब करी, वीडियो के लाइक करी और ज़्यादा से ज़्यादा ये बात के शेयर करी, आप सबके सपोर्ट जरूरी भाई, यदि आप सब वीडियो के ज़्यादा प्यार दुलार दें तो हमारों मन उत्साहित हो कि हाँ भाई ये पसंद लोग कर रहा लाइफ स्टाइल के बायोग्राफी के लोग पसंद कर रहा, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जुटा में भी मजा आई और आप सबके न्यूज़ देवे में भी मजा आई, क्या यदि आप सब वीडियो के प्यार दुलार दें तो हम अपना तरफ से बहुत ज़्यादा एंटरटेन करावे आप सबके कोशिश करम। तो जरूर ही ये वीडियो के ज्यादा से ज्यादा देखी, ज्यादा से ज्यादा ये बात के शेयर करी, वीडियो के लाइक करी। बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी, और शेयर करी ना भूलो। लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी के हर ताजा और नया जानकारी पावत रही बिल्कुल फ्री में, और बेल आइकन के दबावल ना भूलो।